हेलो गाइस, दिस इज कुंदन। वेलकम बैक टू माय चैनल केविंग्स फोटोग्राफी। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे कैनन 1500D कैमरे से मैनुअल मोड में फोटोज क्लिक करते हैं। किसी भी कैमरे से मैनुअल मोड में कैसे फोटोज क्लिक करते हैं, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप यहाँ से देख सकते हो। मैनुअल मोड में फोटो क्लिक करने के लिए हमें तीन सेटिंग्स का पता होना चाहिए, अपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO। अगर आप ये तीनों सेटिंग्स के बारे में जान गए तो आप आसानी से मैनुअल मोड में फोटो क्लिक कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कैसे कैनन 1500D कैमरे में अपर्चर को चेंज करते हैं, शटर स्पीड को चेंज करते हैं और ISO को कैसे चेंज करते हैं। अगर आप ये तीनों चीज इस कैमरे में चेंज करना जान गए तो आप आसानी से मैनुअल मोड में फोटो क्लिक कर पाओगे। और हाँ गाइस, मैनुअल मोड में कौन सा सेटिंग्स पहले चेंज करते हैं, उसके बाद हम कौन से सेटिंग चेंज करते हैं, ये सब जानने के लिए आप वो वाली वीडियो जाकर के देख लेना, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। चलो अब देखते हैं इस कैमरे में हम इन सब सेटिंग्स को कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, कैमरा को यहाँ से ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद हमें डायल को घुमा करके M जो लिखा हुआ है इसे मार्क के सामने ला लेना है। M जो लिखा है वो मैनुअल मोड होता है। तो अभी हमने कैमरे को क्या किया हुआ है, मैनुअल मोड में डाल दिया हुआ है। अब डिस्प्ले में देखो यहाँ पे M लिखा हुआ है, यानी कि ये कैमरा अभी मैनुअल मोड में है। सेकंड वाले सेटिंग को देखते हैं तो ये है हमारा शटर स्पीड 1/100 दिखा रहा है यहाँ पे। इसके आगे देखोगे हमें यहाँ पे दिखा रहा है अपर्चर f4.0। यहाँ पे हमारा अपर्चर शो करता है। अगर आप अपर्चर चेंज करोगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज होगा। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ISO लिखा हुआ, ISO 400, यहाँ पे हमारा ISO दिखता है। हमें क्या करना है, मैनुअल मोड में जब फोटो क्लिक करना है इस कैमरे से तो ये तीन सेटिंग्स का ध्यान रखना है। देखो गाइस, मैं इसमें पहले बताता हूँ इस शटर स्पीड को कैसे चेंज करते हैं। शटर स्पीड को चेंज करना काफ़ी आसान है। शटर स्पीड चेंज करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, आगे में जो ये डायल दिख रहा है इसे हमें घुमाना है। इस तरीके से घुमाएंगे तो हमारा शटर स्पीड चेंज होगा। देखो गाइस, मैं ऊपर में डायल घुमाऊंगा तो यहाँ पे जो शटर स्पीड का वैल्यू है वो चेंज होगा। देखो जैसे मैं डायल घुमाते जा रहा हूँ यहाँ पे शटर स्पीड चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस कैमरे में शटर स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा बारी आता है इस अपर्चर को चेंज करने का। अपर्चर को कैसे चेंज करना है, तो आप यहाँ पे आप देखोगे AV लिख करके बटन दिया हुआ है यहाँ पे, इसे हमें दबाए रखना है। और दबाए हुए हमें क्या करना है, इस आगे का जो फ्रंट डायल है इसे हमें घुमाना है। जैसे मैं घुमाऊंगा आप देख सकते हो यहाँ पे अपर्चर अब चेंज हो रहा है। जैसे मैं घुमाते जाऊंगा अपर्चर चेंज होते जा रहा है। अब हम इसे अपने अकॉर्डिंग अपर्चर को सेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट है हमारा ISO। आप देख सकते हो यहाँ पे ISO 400 लिखा हुआ है। इसे हम कैसे चेंज करेंगे, इसे चेंज करना भी काफ़ी आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ISO का बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस करेंगे हम तो ISO का ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पे। अब इस ऑप्शन से हम कोई भी ISO अपना चूज कर सकते हैं इस तरीके से। ISO सेलेक्ट करने के बाद हमें बीच में जो बटन दिख रहा है सेट, इसे हमें प्रेस कर देना है। प्रेस कर देंगे तो हमारा ISO वो वाला सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो ISO हमने चेंज कर दिया है 3200 पे। सो इस तरीके से हम तीनों वैल्यू को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखो गाइस, मैं फिर से बता देता हूँ इन तीनों सेटिंग्स को चेंज कैसे करते हैं। पहला है हमारा शटर स्पीड। शटर स्पीड चेंज करना होगा तो हमें सिंपली क्या करना है, फ्रंट डायल को ऐसे मूव करना है। मूव करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे शटर स्पीड हमारा चेंज हो रहा है। आप इसे बढ़ा भी सकते हो और यहाँ से घटा भी सकते हो। दूसरा है हमारा अपर्चर। अपर्चर को कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, AB बटन को प्रेस किए रहना है और फ्रंट डायल को ऐसे घुमाना है। जैसे जैसे घुमाएंगे आप देख सकते हो यहाँ पे अपर्चर हमारा चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपर्चर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ISO। ISO चेंज करना भी काफ़ी आसान है। वैसे ही यहाँ पे ISO का बटन दिया हुआ, इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसमें से हम कोई भी ISO ऐसे चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद हमें सेट पे प्रेस कर देना है तो वो वाला ISO सेलेक्ट हो जाएगा। तो गाइस, आपने देखा कैसे कैनन 1500D कैमरे में अपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO को चेंज करते हैं। अब इस तीनों सेटिंग को चेंज करके आप इस कैमरे से आसानी से मैनुअल मोड में फोटोज क्लिक कर सकते हो। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आसानी से इस कैमरे से मैनुअल मोड में आप फोटो क्लिक कर पाओगे। देखो गाइस, स्टार्टिंग में मैनुअल मोड में फोटो क्लिक करते टाइम आपको बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे, ढेर सारा प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करने लग जाओगे। सो आपको क्या करना है, मैनुअल मोड में आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करना है पहले। सो आप देखोगे उसके बाद आपका मैनुअल मोड पे अच्छे से पकड़ बन जाएगा। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।